हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इस चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि प्लांट्स किस तरह से हमारे डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इस क्लास में हम एनिमल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? एनिमल्स आर द गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। एनिमल्स हमारे लिए गिफ्ट की तरह है जो हमें नेचर ने दिया है। दे आर द वंस विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ अस इन डेली लाइफ। ये क्या होते हैं? हमारे चारों तरफ रहते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। एनिमल्स कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट टू ह्यूमन लिव्स देन इवन द प्लांट्स। प्लांट्स के कंपेरिजन में एनिमल्स हमारे ज़्यादा काम आते हैं। किस तरह से? वो हमारे जैसे कोई सामान लेके जाना हो या कोई खेत का काम हो, इस तरह से हमारे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इट विल बी टफ टू इमेजिन लाइक विदाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत सारे कामों के लिए एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड हैं। एनिमल्स आर परफेक्ट केयर गिवर्स। एनिमल्स परफेक्ट केयर गिवर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारी देखभाल करते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी पालतू जानवर होगा, ठीक है, तो जैसे आप जितना प्यार उसको दोगे वो ही आपकी उतनी केयर करेगा। इसलिए कहा गया है कि एनिमल्स परफेक्ट केयर गिवर्स होते हैं। ट्रेन डॉग्स परफॉर्म सेवरल टास्क टू असिस्ट पीपल विथ डिसएबिलिटी सच एज गाइडिंग पीपल हु आर ब्लाइंड, अलर्टिंग पीपल हु आर डीफ, पुलिंग व्हील चेयर्स एट्सेट्रा। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं जिनमें जो डॉग्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको गाइड करने में, या फिर कोई व्हील चेयर पर है, कोई कैपेबल नहीं है कि वो खड़ा हो पाए, तो उसकी भी हेल्प किया करते हैं, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। तो इस तरह से जो डॉग्स हैं वो गाइडिंग करने में, अलर्ट करने में, इस तरह से काम आते हैं। मंकीज आर इनक्रेडिबली कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंपल एवरीडे टास्क फॉर पर्सन हु हैव लॉस्ट द यूज़ ऑफ देयर ऑन लिम्स। जैसे मंकी का एग्जाम्पल दे रखा है। मंकी जो है वो जैसे हम लोग काम करते हैं उसी तरह से अगर उनको ट्रेन किया जाए तो वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने हाथ पैरों पर खड़े नहीं हो पाते या चल फिर नहीं पाते, कुछ काम नहीं कर पाते, तो वो मंकी या डॉग्स को ट्रेन करके रखते हैं, जिससे उनकी डेली लाइफ जो है उसमें वो अपने सारे काम उनसे करवा सके। कैट्स आर ऑल्सो समटाइम्स ट्रेन टू सिग्नल देयर डीप ऑनर फ्रॉम सर्टेन साउंड्स। जैसे किड्स का भी दे रखा है कि कई ऐसे कैट्स भी होती है जिनको ट्रेन किया जाता है, जैसे अगर कोई डीप है, मतलब कि बहरा है, तो जैसे कोई साउंड जनरेट होती है, कोई अलग साउंड आती है, तो जो कैट है वो उनको पहले ही अलर्ट कर देती है। इस तरह से एनिमल्स आर परफेक्ट केयर गिवर्स। नेक्स्ट है एनिमल्स वर्क फॉर ह्यूमंस। ये तो आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं वो हमारे कितना काम में आते हैं, चाहे वो खेत हो या कहीं सामान लेके जाना हो या फिर कोई सवारी करनी हो, कोई भारी सामान उठाना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? या तो मशीन वगैरह का या फिर एनिमल्स का। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्स, मेल बफेलो, डंकीज एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के जो ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, डेजर्ट एरिया में काम आते हैं, खेतों में काम आते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, ऑक्स, मेल बफेलो, डंकीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम सामान लेके जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। इन डेजर्ट एरियाज केमिकल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और जैसे जो रेगिस्तान की जगह होती है वहाँ पे और जो एनिमल्स है वो सही से काम नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे उनके पैर जो है वो उस रेत में धंसने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? कैमल्स का, ऊँटों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनके जो पैर हैं उनकी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिससे वो रेत में नहीं धंसते हैं। ऑक्सन हैव पुल्ड प्लॉट्स ऑफ
फॉर फार्मिंग, जैसे आपने देखा होगा कि जो किसान हैं वो मोस्टली किनका यूज़ लेते हैं, बैलों का, क्योंकि वो बैल जो हैं वो उनको किसानों को जैसे हल जोतना हो या फिर कोई एक्स्ट्रा काम हो फील्ड में, तो उस तरह से वो काम में आते हैं। डंकीज आर यूज टू कैरी गुड्स, एलिफेंट्स आर यूज टू शिफ्ट ट्री ट्रंक्स एंड स्टेम्स इन द फॉरेस्ट। जैसे आपने देखा होगा जो डंकीज होते हैं वो कोई भी सामान वगैरह ले जाने में काम आते हैं, और जो एलिफेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जो सूंड होती है उससे भारी भारी सामान उठा लेते हैं। तो अक्सर जो फॉरेस्ट वगैरह में, जंगल वगैरह में उनका क्या यूज़ लिया जाता है, जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं उनको उठाने में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनिमल्स आर वर्क फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स ह्यूमंस के लिए काम करते हैं। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ लिवलीहुड, एनिमल्स जो हैं वो हमारी आजीविका के लिए भी एक तरह से सोर्स है। किस तरह से हम कैसे डिपेंड रह सकते हैं? फार्मर्स राइस कैटल लैम शीप गॉड्स एंड अदर एनिमल्स सिंपली टू मेक अ लिविंग बाय सेलिंग मिल्क मीट एट्सेट्रा। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं या कोई, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर में गाय भैंस या फिर भेड़ बकरी ये सब पालते हैं। क्या करते हैं वो, उनका जो दूध है उनको बेचकर पैसे कमाते हैं, उनका मीट को बेचकर पैसे कमाते हैं, या फिर जैसे मुर्गी वगैरह पाल लेते हैं तो उनके अंडे बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इस तरह वो एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अर्निंग के लिए। हॉर्सेस सर्व एज मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पुअर हु यूज़ देम टू ड्रॉ कार्ट्स। जैसे आपने देखा होगा जो हॉर्सेज हैं वो काम आते हैं इधर से उधर सामान ले जाने में, या फिर उस पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाया जा सकता है। तो हॉर्सेस कार्ट्स जो होती है वो एक तरह से पैसे कमाने का जरिया होती है। फिशिंग रियरिंग ऑफ हैंस एंड पिग्स इन फार्म्स ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर द ह्यूमंस। जैसे फिशिंग पर्पस से, या फिर कोई फिश पालता है, हैन पालते हैं, मुर्गियाँ पालते हैं और पिग्स पालते हैं, तो उनसे क्या होती है उनकी अर्निंग होती है, उनको बेचकर या फिर उनका जो मीट है उनसे या फिर उनके अंडों से उनकी अर्निंग होती है। इस तरह हम अर्निंग के लिए भी इन पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड, एनिमल्स फूड का भी एक सोर्स होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे दूध है, मछली है, अंडा है, मीट है। तो एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क विच इज़ द डेली इसेंशियल इन ह्यूमन लिव्स। आपको पता होगा कि मिल्क से कितनी सारी चीज़ें मिलती है, मिल्क हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। एनिमल्स दैट आर यूज टू एक्सट्रैक्ट मिल्क द काउज बफेलोज गोट कैमल एंड डंकी। और ये जो मिल्क है वो किस किस से मिल सकता है, गाय से मिल सकता है, भैंस से मिल सकता है, बकरी कैमल डंकी इन सब से मिल सकता है, इसीलिए लोग इनको पालते भी हैं। एनिमल्स लाइक हैंस डक्स प्रोवाइड एग्स, जैसे मुर्गी है, बतख है, ये क्या करती है, एग्स प्रोवाइड करवाती है विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और आपको पता है एग जो है वो एक अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, इसलिए लोग अंडे खाते हैं। और वो अंडे कहाँ से आते हैं, वो हैंस या डक्स वगैरह से आते हैं। फिशेज प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू आवर डाइट, जैसे फिश है, फिश का, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो फिश का लीवर खाते हैं या डायरेक्ट फिश को खाते हैं, तो उनसे क्या मिलता है, उनको अच्छी डाइट मिलती है, प्रोटीन मिलते हैं, फैट मिलता है। तो इस तरह से हम फूड के लिए भी एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। वी कंज्यूम एनिमल्स मीट इन द पार्ट ऑफ डाइट लाइक ऑफ गॉड्स शीप कैमल बफेलोज पिग्स रैबिट्स एंड मैनी मोर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मीट का यूज़ करते हैं, मतलब नॉनवेज खाते हैं, वो किस किस का मीट यूज़ करते हैं, गोट का, शिप का, कैमल का, बफेलो का, पिक्स का, रैबिट्स का, हैन का, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मीट यूज़ किया जाता है खाने के लिए। नेक्स्ट है एनिमल्स फॉर स्पोर्ट्स एंड लीजर्स, एनिमल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के यूज़ में भी आते हैं। किस तरह से, जैसे बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें हॉर्स का यूज़ किया जाता है, और जैसे करतब दिखाना हो
तो वहाँ पे भी जैसे शेर वगैरह हैं, एलिफेंट्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है एक तरह से एंटरटेन करने के लिए भी, और स्पोर्ट्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। एनिमल्स आर यूज्ड टू असिस्ट अस इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, लाइक हॉर्सेस आर यूज्ड फॉर अ गेम ऑफ पोलो, जैसे पोलो गेम होता है उसमें हॉर्स का यूज़ किया जाता है। डॉग्स आर यूज्ड टू हंट फिजेंट्स, क्वेल एंड अदर बर्ड्स, डॉग्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो शिकारी गेम्स होते हैं, शिकार करने वाले जो गेम्स होते हैं उनमें। हॉर्सेज आर यूज्ड फॉर हॉर्स रेसिंग एक्टिविटीज़, और हॉर्स का एक और यूज़ किया होता है हॉर्स राइडिंग में या हॉर्स रेसिंग में। एनिमल्स आर कैप्ट इन द जू फॉर आवर फन एंड नॉलेज पर्पज़, एनिमल्स को जू में भी रखा जाता है क्यों, ताकि हम उनके बारे में और ज़्यादा जान सकें और वो हमें एंटरटेन कर सकें। एनिमल्स आर यूज्ड इन सर्कस टू एग्जिबिट एक्टिविटीज़ फॉर आवर एंटरटेनमेंट। आपने देखा होगा कि सर्कस वगैरह में भी अलग अलग तरह से करतब दिखाने में या कोई मैजिक दिखाने में एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स जो हैं वो स्पोर्ट्स में भी काम आते हैं और एंटरटेन करने में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स यूज्ड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सबसे मेन पॉइंट होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों में डॉगी पालकर रखते हैं या मंकी पालकर रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनको सेफ्टी का इश्यू रहता है और डॉग जो होते हैं बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और वफादार होते हैं, इसलिए उनका सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल्स लाइक डॉग्स आर क्वाइट ऑफन कैप्ट टू गार्ड द मास्टर एंड हीज हाउस। आपने देखा होगा कि जो डॉग है वो पूरे घर का आसानी से ध्यान रख सकते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज आर ट्रेंड टू वार्ड ऑफ एनिमल्स नियर एयरपोर्ट्स। जैसे कई ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जहाँ पे मंकी को ट्रेन करके रखा जाता है ताकि जो एनिमल्स हैं और बाकी जो एनिमल्स हैं वो दूर रहे एयरपोर्ट से। डॉग्स आर यूज टू ट्रेस ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल बाय यूजिंग देयर सेंस ऑफ स्मेल। आपको ये बात पता होगी जो डॉग है उनका सेंस काफ़ी अच्छा होता है, सेंस ऑफ स्मेल जो है वो बहुत अच्छा होता है, सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करने में। एनिमल्स आर यूज टू डिटेक्ट साइलेंट बॉम्ब्स ब्यूरीड अंडरग्राउंड। अगर कोई बॉम्ब वगैरह है वो ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है तो हमें तो उनको फील नहीं होता, हमें तो फील नहीं होगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं या कहाँ छुपाए गए हैं, तो जो डॉग्स वगैरह हैं या जो ट्रेंड एनिमल्स हैं वो उनका तुरंत पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट है मिसेलियस यूज़ ऑफ एनिमल्स। कुछ ऐसे यूज़ भी होते हैं जो मेडिसिन वगैरह में या फिर अलग से कुछ काम में आते हैं। एनिमल्स आर कैप्ट फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनिक मैनर, लाइक डंग ऑफ कैटल इज़ गुड फॉर फार्म्स विच इम्पार्ट फर्टिलिटी टू द सॉइल। जैसे आपने देखा होगा कई एनिमल्स जो हैं उनके जो डंग है मतलब जो गोबर होता है उनका भी ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ किया जाता है, उनको खाद की तरह काम में लेते हैं जो फार्मर्स वगैरह हैं वो। एनिमल्स लाइक हॉर्स माइस आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स। हॉर्स हैं, चूहे हैं, ये किसके काम में आते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स के भी काम में आते हैं। स्नेक्स पॉइजन इज़ यूज्ड इन मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जैसे सांप होता है, सांप का जो पॉइजन है वो एक तरह से मेडिसिन के काम में आता है, किसका ट्रीटमेंट करने में, कैंसर का ट्रीटमेंट करने में। एनिमल्स हेयर फ्रॉम गॉट एंड शिप इज़ यूज फॉर मेकिंग वुलन क्लोदिंग, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। आपने देखा होगा कि आप शॉल पहनते हो या फिर वुलन क्लोथ्स पहनते हो तो वो किससे बनते हैं, वो गॉट या शिप के जो हेयर होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, और कई तरह से चमड़े भी यूज़ किए जाते हैं जो उनकी स्किन है उनसे, या फिर उनके दांतों से, उनके जो सींग हैं उनसे भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एनिमल्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ लेदर विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फुटवियर, बेल्ट, वॉलेट बैग्स, फर्नीचर एट्सेट्रा। एनिमल्स जो हैं वो एक अच्छा सोर्स होता है लेदर प्राप्त करने का, लेदर जो है चमड़े को बोलते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें लेदर भी मिलता है जो हमारे लिए बहुत काम भी आता है, जैसे फुटवियर है, चप्पल वगैरह बनाने में, बेल्ट बनाने में, वॉलेट्स बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मिसलनेस यूज ऑफ एनिमल्स जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है
कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। एनी न्यू मेडिसिन डिस्कवर्ड इज इवेल्युएटेड बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन एनिमल्स। कुछ जैसे कोई वैक्सीन बनाई जाती है, कोई नई मेडिसिन बनाई जाती है, तो वो सबसे पहले किन पर ट्राई होती है? एनिमल्स पर ट्राई होती है। तो इस तरह से इनका ये यूज़ भी हो गया कि अगर कोई नई मेडिसिन मिलती है या ना कोई वैक्सीन बनती है, तो उनका सबसे पहले ट्रायल करने के लिए भी हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है। एनिमल्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ लेदर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फुटवेयर, बेल्ट, वॉलेट बैग्स एंड फर्नीचर। तो आज की क्लास में हमने एनिमल्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में उसके बारे में पढ़ा, और इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो आपका जो चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो इन दोनों वीडियोज़ में कवर हो गया है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।